गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल इजी वे टू सक्सेस की एक और नई क्लास में। आज हम इस क्लास में निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे, जिसके अंदर अपन क्वेश्चन करेंगे और जो हमने बेसिक पढ़ा था उसके आधार पर जितनी भी अपने टाइप पढ़ी थी, भी 6 या 7 टाइप पढ़ी थी, उसके ऊपर अपन आज क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। जो भी एग्जाम आप कर रहे हो, जैसे SHGB हो गई, रेलवे डी ग्रुप हो गई, NTPC हो गई, पटवार हो गई, इन सभी के अंदर मैथ का बहुत बड़ा रोल है। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैथ के नए नए वीडियो, नए नए ट्रिक्स के साथ में, और एक और सीरीज में यहाँ पे ट्रिक की भी स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसके अंदर अपन टॉपिक ना लेके एक क्वेश्चन लेंगे। कि जैसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि देखो अक्स प्लस में 1/4 में अक्स के इक्वल अगर अपन को कुछ दिया हुआ तो अपन को पूछ लेगा अक्स स्क्वायर प्लस में 1/4 में अक्स स्क्वायर के इक्वल क्या होगा, या फिर अक्स की पावर क्यूब माइनस 1/4 में अक्स की पावर क्यों भी इस प्रकार से पूछ लेगा। तो वो वाले क्वेश्चन अपन किस प्रकार से करेंगे, उसके ऊपर अपन से एक और वीडियो अपलोड करेंगे और एक और नई सीरीज स्टार्ट करेंगे, और ये जो सीरीज हमारी टॉपिक वाइज वो चलती रहेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं निर्देशांक ज्यामिति। भगवान का नाम लेकर जय श्री राम। देखिए टाइप फर्स्ट का बीच की दूरी निकालने, टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन करते हैं अपन। इसमें अपन को क्या दिया हुआ, देखो अपन को 2 बिंदु दिए हुए हैं, देखो क्या 7 और 5। दूसरा क्या दिया हुआ अपन को 3 और 2, 3 और 2। इन दोनों बिंदुओं के बीच की क्या निकालनी है अपन को, दूरी निकालनी है। तो इनकी दूरी निकालने के लिए देखो अगर अपन फॉर्मूला यूज करते हैं तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो x2 - x1 या फिर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 या फिर y1 - y2 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर हो जाता है हमारा वर्गमूल। तो इस वर्गमूल को देखो, इस फॉर्मूले को ना देखकर अपन क्या करते हैं, देखो सीधा सीधा याद रखने की कोशिश करते हैं कि अपन को क्या करना है, इनके बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, यहाँ से अपन को क्या निकालनी है, इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो इनके बीच की दूरी निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, देखो इससे ये घटाते हैं, देखो कितना है 4, 7 में से 3 घटाएंगे 4 आ गया, इसका करते हैं अपन होल स्क्वायर। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, 5 में से 2 घटाया का मतलब 3 बच गया का होल स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, देखो ये हो गया 16, ये हो गया 9, और दोनों का जब इस वर्गमूल लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 25, और इसका क्या आ जाएगा हमारा वर्गमूल 5। तो बीच की दूरी इसकी क्या जाएगी 5। और वैसे ही देखो वही बात है, देखो क्या कि फॉर्मूला वही है, बात वही है, लेकिन अपन ने सिर्फ सिंपल क्या कर लिया, पहले में से दूसरी को हटा दिया प्लस में उसका होल स्क्वायर कर दिया, और दूसरी को दूसरी में से घटा दिया और उसका होल स्क्वायर कर दिया, उसके ऊपर वर्गमूल ले लिया। तो देखो उससे अपन को थोड़ा सा आसान लगने लग जाता है, देखो बात वही है लेकिन थोड़ा सा आसान लगने लग जाएगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं अपन। में अपन को क्या दिया हुआ है, देखो दूसरे क्वेश्चन में अपन को बोला है कि 4 - 6 और -6 और 4 इन दोनों के बीच की अपन को निकालनी है दूरी, इन दोनों के बीच की अपन को निकालनी है दूरी। तो देखिए यहाँ से अपन क्या करेंगे, देखो वही काम करेंगे अपन, पहली में से दूसरी, दूसरी में से पहली, एक ही बात है। देखो तो देखो यहाँ से मैं कर लूँ, 4 में से मैं माइनस कर रहा हूँ, अब माइनस है यहाँ पे, और माइनस मैं कर रहा हूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि होल स्क्वायर। ठीक है, दूसरी देखो -6 इसमें से मैं -4 कर रहा हूँ कि होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं अपन, देखो ये क्या हो गया 10 का होल स्क्वायर, और उसके ऊपर क्या आएगा, देखो हमारा वर्गमूल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखते हैं, देखो माइनस के क्या हो गए हमारे, माइनस के हो गए हमारे 10, और इसका करते हैं अपन होल स्क्वायर। तो 10 का होल स्क्वायर करते हैं अपन, 100 आता है, और अपन को पता है जब माइनस माइनस को अपन गुणा करते हैं तो क्या आती है, प्लस आती है, तो ये भी क्या हो जाएंगे हमारा 100, यह जाएगा हमारा √200। तो देखो √200 अपन को ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसको अपन क्या करेंगे, इसको अपन तोड़ेंगे। किस प्रकार से तोड़ेंगे, देखो 100 × 2 लिखेंगे, इसको 100 × 2 लिखेंगे तो क्या होगा हमारा, देखो यहाँ पे 100 का तो हो जाएगा 10 और √2 का हो जाएगा √2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और हमेशा इसके आगे क्या लिखते हैं अपन, इकाई। जब भी अपन को देखो बीच की दूरी निकालनी हो तो देखो अपन क्या करते हैं, देखो अगर जब अपन को मीटर वगैरह में दिया होता है तो अपन क्या लेते हैं, मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, लेकिन जब भी अपन निर्देशांक के अंदर देखते हैं तो निर्देशांक के अंदर अपन मात्रक को क्या लेते हैं, इकाई लेते हैं, ना कि मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर। तो क्या आ जाएगा, ये
दस अनरूट दो इकाई आ जाएगा। क्वेश्चन करते हैं दूरी वाला क्वेश्चन, इसमें अपन को क्या दिया हुआ है, देखो अपन को बोल रहा है क्या कि दो माइनस दो, और क्या दिया हुआ अपन को दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ अपन को माइनस एक और दो, इन दोनों के बीच की अपन को निकालनी है दूरी। तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है अपन को, देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट अपन को इसको पी और क्यू मान लेते हैं। देखो इससे कोई और जीतते नहीं, सीधे अपन करते हैं। देखो क्या करते हैं अपन, देखो दो में से अपन क्या करेंगे माइनस वन को घटाएंगे, तो देखो दो में से अगर माइनस वन को घटाएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, ठीक बात है। यहाँ से देखो माइनस का दो, और ये जब माइनस करेंगे तो माइनस का दो हो जाएगा ये भी, और इसके ऊपर करेंगे स्क्वेयर तो क्या हो गया देखो तीन का स्क्वेयर प्लस में माइनस चार है, और माइनस चार का जब भी अपन स्क्वेयर करते हैं तो क्या हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है ये देखो तीन का क्या हो गया नौ, माइनस चार का क्या हो जाएगा हमारा सोलह ही हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिर से हमारा क्या आंसर आ जाएगा देखो पच्चीस, और आंसर आ जाएगा हमारा पाँच, तो पाँच इकाई बोलेंगे इसको अपन, क्या बोलेंगे पाँच इकाई क्या आ जाएगी हमारी बीच की दूरी आ जाएगी, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी, ठीक है। से देखिएगा बहुत इजी है, ना कोई फॉर्मूला ना कोई जरूरत। देखो क्या करते हैं अपन, अपन को क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो पांच और माइनस दो पॉइंट है कि वाई अक्ष से दूरी बतानी है अपन को। तो देखो एक बार देखो मैं यहाँ पे आपको देखो बना के दिखाता हूँ। देखो क्या है, देखो अपन को पांच और माइनस दो यानी अक्ष के दो पांच और वाई के माइनस दो, तो ये देखो अक्ष के पांच, देखो मैंने यहाँ एक दो तीन चार और पाँच, यहाँ पे क्या हो गए अक्ष के दो पाँच हो गए, ठीक है। और वाई के माइनस दो हैं, वाई के माइनस दो मतलब देखो एक और यहाँ पे दो, ये क्या हो गए देखो माइनस के दो, ये क्या हो गया माइनस का एक। तो ये वाला जो पॉइंट होगा जो अपन ने देखा है ये क्या होगा देखो पाँच और माइनस दो, यही वाला पॉइंट होगा क्या देखो अपन, ठीक है। यही वाला पॉइंट होगा हमारा कौन सा, पाँच और दो, पाँच दो पाँच माइनस दो दिया हुआ अपन को, ठीक है। तो इसकी ये बोल रहे हैं कि वाई एक्स से दूरी अपन को कौन सा पता है, देखो वाई एक्स, ये है क्या हमारा वाई एक्स, ये हमारा वाई एक्स होता है। तो यहाँ से जब अपन को दूरी देखनी है तो इससे देखिए आप, इससे कितनी दूरी पर है ये पाँच पर, तो वाई एक्स से दूरी क्या जाएगी हमारी पाँच। अगर ये आपको ये बोले कि अक्ष अक्ष से दूरी कितनी है, तो अक्ष अक्ष से दूरी देखें तो कितनी हो जाएगी हमारी, अक्ष अक्ष से दूरी हो जाएगी हमारी माइनस दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा देखो वाई एक्स से दूरी कितनी हो जाएगी हमारी पाँच हो जाएगी, ठीक है। देखिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या बोला है, देखो हमको बोला है कि देखो वही क्वेश्चन है, देखो पाँच और आठ, पाँच और आठ पॉइंट का अक्ष अक्ष से दूरी बताना है अगली बार, ठीक है। तो देखो वही बस देखो देखते हैं अपन, ठीक है पाँच और आठ, तो अक्ष का तो क्या हो गया पाँच, एक दो तीन चार पाँच, और वाई का क्या हो गया आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ठीक है मान लो यहाँ तक हो गया, ठीक है ना। तो पॉइंट क्या आएगा हमारा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा, इसको अपन क्या बोलेंगे पाँच और आठ, मतलब इधर तो पाँच है हमारा ये, और ये क्या हमारा आठ है, ठीक है। तो जब अपन को क्या बोला है अक्ष अक्ष से दूरी पूछे अपन को, क्या पूछा है अक्ष अक्ष से दूरी, तो यहाँ पे अपन को पता है ये क्या होता है हमारा अक्ष अक्ष होता है, क्या होता है हमारा अक्ष अक्ष। तो यहाँ से हमारी दूरी कितनी है देखिए आठ है, तो अक्ष अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी हमारी आठ इकाई हो जाएगी। और अगर अपन को यही क्वेश्चन क्या पूछता कि इस पॉइंट का वाई अक्ष से दूरी, तो वाई अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी देखो ये हमारा वाई अक्ष, इस वाई अक्ष से दूरी हमारी कितनी हो जाएगी देखो सीधी सीधी कितनी हमारी, देखो अपने कितना चला है इधर इधर पाँच चला है, तो अक्ष अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी आठ, और वाई अक्ष से दूरी वाई अक्ष से पूछे अपन को, वाई अक्ष से पूछता तो क्या हो जाती है हमारी पाँच, ये क्या हमारी अक्ष अक्ष से दूरी, ठीक बात है। तो देखो आप इसमें देखो हमको क्या पता चला, हमको ये पता चला क्या कि देखो एग्जाम में कैसे करेंगे अपन, देखो सीधे कर सकते हैं इसको कैसे, देखो ये पॉइंट दिया हुआ है अपन को, मान लो ये कोई भी पॉइंट दिया हुआ है क्या, ये दे दिया अपन को छः और पाँच दे दिया, छः और पाँच दे दिया, तो अगर ये पॉइंट की अपन को अक्ष अक्ष से दूरी पूछ ले या फिर वाई अक्ष से दूरी पूछ ले तो क्या करेंगे अपन, देखो जब ये किसकी वैल्यू होती है अक्ष की, ये किसकी होती है वाई की, जब अपन को अक्ष से दूरी पूछे तो वाई वाले लेंगे, वाई से दूरी पूछे तो अक्ष वाले लेंगे, तो क्या कर देंगे सीधे सीधे, जैसे देखो इसमें ही था पाँच और आठ था, इसमें देखो अपन को किससे पूछी थी अक्ष अक्ष से पूछी थी, तो
अक्ष अक्ष से पूछी तो अपन ने कौन सी दूरी ली है, देखो वाई वाली ली है। और जब अपन को क्या पूछता, क्या पूछता, वाई अक्ष से पूछता, तब अपन क्या ले लेते, अक्ष अक्ष वाली, ठीक है। वाई अक्ष से पूछता तो अक्ष अक्ष वाली, अगर अक्ष से पूछा है तो वाई अक्ष वाली, ठीक है। तो उल्टे ले लेंगे अपन इसके अंदर, ठीक बात है क्या। ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए एक क्वेश्चन करते हैं अपन, क्या जिसमें कोई भी टाइप नहीं लगती हमारी, कोई भी टाइप नहीं लगती वो अपन क्या कर सकते हैं। देखो हमारी कॉमन सेंस के ऊपर बात है हमारी, ठीक बात है। देखो देखिए करते हैं अपन क्या, देखो अपन को बोला हुआ है कि क्या, दो अक्ष प्लस में वाई, दो अक्ष प्लस में वाई माइनस का सी इक्वल टू है अपन को जीरो, ये दिया हुआ अपन को, हाँ ये दिया हुआ। ये बोल रहा है कि यह मूल बिंदु से गुजरती है, कहाँ से गुजरती है, मूल बिंदु से गुजरती है, मूल बिंदु से गुजरती है। तो जब अपन को पता है कि मूल बिंदु से गुजरती है तो मूल बिंदु क्या होता है हमारा, जीरो जीरो होता है, ठीक है। यानी कि अक्ष का भी जीरो, वाई का भी जीरो, सही बात है। तो यहाँ से अपन देखो सी को इधर भेज देते हैं, तो देखो सी के इक्वल क्या आ गया हमारा, दो अक्ष प्लस में वाई हो गया, ठीक है। अपन को सी का मान बताना है, ठीक है, क्या बताना है अपन को, सी का मान पूछा है। तो देखो सी को अपन ने इधर रख लिया, इधर देखो मूल बिंदु से गुजरता है तो अक्ष के बराबर भी जीरो, वाई के बराबर भी जीरो, दोनों की जगह रखेंगे तो सी बराबर क्या आ जाएगा, देखो ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो सी के बराबर क्या आ जाएगा हमारा, जीरो ही आ जाएगा। देखिए एक और क्वेश्चन के देखते हैं अपन, इसके अंदर अपन को क्या दिया है, देखो माइनस आठ, माइनस दो और आठ, पाँच और सात बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा आगे अपन को ऑप्शन दिए हुए हैं। देखो कौन सी रेखा दी हुई है अपन को, देखो अपन बना के देखेंगे, देखो इसको कैसे बना के देखेंगे। देखो अपन को क्या दिया है, देखो माइनस दो और आठ, तो अक्ष की माइनस दो और इसकी आठ, तो इसकी आठ अपन यहाँ पे ले लेते हैं, देखो एक बार ऐसे ही, ठीक है। ये क्या होगी हमारी, माइनस की दो और प्लस की क्या होगी, आठ वाई वाली। अब इसके अंदर देखो दूसरा वाला पॉइंट क्या है, पाँच और सात, पाँच तो देखो अक्ष का पाँच यहाँ पे मान लेते हैं, पर वाई का सात यहाँ पे थोड़ा सा नीचे मान लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या हो गया हमारा, पाँच और सात, ठीक है। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा ये हो गई हमारी, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा। अब ऑप्शन में देखते हैं, देखो किसी अक्ष को नहीं काटती, केवल अक्ष अक्ष को काटती है, केवल वाई अक्ष को काटती है और दोनों को काटती है। तो यहाँ से देखते हैं अपन, देखो क्या कर रहे हैं अपन, यहाँ से देखो जब अपन इसको नीचे की तरफ लेके जाएंगे, इधर की तरफ, तो इधर की तरफ लेके जाएंगे तो अपन को पता है ये कहाँ पे काटेगी, अक्ष अक्ष पे काटेगी, तो अक्ष अक्ष पे तो काट ही रही है और वाई अक्ष पे भी काट रही है, देखो यहाँ पे, तो ये क्या करेगी, ये दोनों को काटेगी, दोनों को काटेगी, दोनों को काटेगी। अगर मान लो यहाँ पे अपन को ऐसे दिया हुआ था, देखो क्या पॉइंट दे देता अपन को, माइनस का तो दो, माइनस का दो और दो दे देता, यानी कि यहाँ पे आ जाता हमारा क्या, माइनस का दो और दो आ जाता। और मान लो यहाँ पे अपन का एक और आ गया माइनस, नहीं यहाँ पे आ जाता हमारा क्या, कोई भी आ जाता, पाँच और दो आ जाता, पाँच और दो, तो यहाँ से अपन को देखो इधर अक्ष का पाँच और यहाँ पे दो आ जाता, तो यहाँ से देखो ये सीधी रेखा हो जाती है फिर हमारी, ऐसी करके ऐसी सीधी रेखा हो जाती है। तब अपन क्या करते हैं, अपन बोलते कि सिर्फ ये वाई अक्ष को काटेगी, अक्ष अक्ष को नहीं काटेगी, लेकिन ये वाली रेखा देखो ये पहले आठ था वाई का, फिर क्या हो गया सात, इनकी नीचे की तरफ है इसका ढाल, इसका जो ढाल है वो कहाँ पे है, नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ है तो ये अक्ष अक्ष को भी कहीं ना कहीं जाके काटेगी, तो इसका मतलब ये क्या करेगी, दोनों को काटेगी।